हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एस फॉर शमसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइडिया एयर कंडीशनर में ई1 एरर क्यों आता है और साथ ही उसका सलूशन भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल सके। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली माइडिया एयर कंडीशनर के मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर ई1 एरर की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। अभी मैं जो ई1 एरर की बात कर रहा हूँ वो जैसे आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, यहाँ पर कॉइल सेंसर की बात कर रहा हूँ, यानी कि पाइप सेंसर है इसका। इसके अंदर कोई इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ई1 का एरर आना शुरू हो जाता है, यानी कि इसके वायर भी ब्रेक हो सकते हैं, कनेक्टर भी ख़राब हो सकता है, नहीं तो ये सेंसर ही ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ई1 का एरर आता है। तो सिंपली आपने इसके वायर कनेक्टर को चेक करना है, अगर वो ठीक हैं तो फिर आप सेंसर चेंज करें तो एरर ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।